राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज रोहतक में महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती पर हुए समारोह में शिरकत की। राज्यपाल ने वैदिक शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति वैदिक मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि नैतिक मूल्यों के बिना व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। समारोह के दौरान राज्यपाल ने मातृभाषा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज के समय में वेदों पर शोध करने की जरूरत है। राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों को भी वेदों पर अध्ययन करना चाहिए। संस्कृति के मूलों को ही वो नहीं देखो, उसी को आधार दिया। नैतिक मूल्य बिना नैतिक मूल्य से आदमी का जो है व्यक्तित्व नहीं है। नैतिक मूल्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहीं राजस्थान के सीकर से भाजपा सांसद स्वामी सुमेधानंद व रोहतक से भाजपा सांसद डॉ. अरविंद शर्मा ने आर्य समाज और समाज सेवा के क्षेत्र में महर्षि दयानंद के योगदान को याद किया। वो महामानव थे जिन्होंने लीक से हटकर के अपनी बात कही। आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि उस समय जब सारा संसार अंधविश्वास और पाखंड की बेड़ियों में जकड़ा पड़ा था और भारत गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था, यह डबल मार थी। एक तरफ अंधविश्वास, पाखंड, अज्ञानता, अशिक्षा और दूसरी तरफ देश परतंत्र था। उस परिस्थिति में उस महामानव ने देश को जो दिशा दी। मैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा, मुझे इस बात का गर्व है और आप लोगों के टीचरों के, गुरुओं के, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जो एक संदेश था कि गुरुओं का सम्मान, वो हमने बहुत गुरुओं का सम्मान जो है करके हम आगे बढ़े हैं। और मैं नौजवान साथियों को, बच्चों को भी मैं ये कहूँगा कि भी गुरुओं का जो जिसने भी गुरुओं का सम्मान किया है जिंदगी में, पीछे नहीं हटे, वो आगे बढ़े हैं। और आप सब मिल करके और हमारे बुजुर्गों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी ये संदेश है, बच्चों को आत्मनिर्भर के साथ साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा आप लोग दें।